सिर्फ एक रोटी बनाने में जितना आटा लगता है ना, आज उतने आटे में हम बनाएंगे चार लोगों के लिए घर पे ये बहुत ही यमी सी ब्राउनी, जो कि बिल्कुल 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। एंड डोंट वरी, अगर आपके पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग का सामान नहीं भी है ना, तब भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि हम इसे बिना बेकिंग पाउडर बनाएंगे। और साथ ही में मार्केट की जो ब्राउनी होती है ना, वो मैदा से बनती है, तो इसे हम आटे से बनाएंगे, तो ये हेल्दी वर्जन भी है। तो रेसिपी को ध्यान से जरूर देखें, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इस तरह की रेसिपी डेली देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में 1 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो, आप इसकी जगह पे बटर या घी भी मेल्ट करके ले सकते हैं। उसके बाद 2 चम्मच यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है। अगर आप डार्क चॉकलेट नहीं अवेलेबल है तो नॉर्मल चॉकलेट भी आप कैडबरी वगैरह की ले सकते हैं, लेकिन मेल्ट करके यूज करें। उसके बाद मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने 1/2 कप यूज करी है, पिसी हुई चीनी है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए। चॉकलेट को आप डबल बॉयलर मेथड से या फिर माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हल्का सा नींबू निचोड़ेंगे। आप यहाँ पे विनेगर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग में एक हल्का सा खट्टापन ना अच्छे से उसको फ्लफी होने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे 1 कप मैंने नॉर्मल आटा यूज किया है, जिससे हम रोटी बनाते हैं। आप इसे छान करके भी यूज कर सकते हैं। 1 कप हम लिया है आटा, और साथ ही में इसमें थोड़ा सा मैं 1/2 चम्मच के बराबर या छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर यूज किया है। इससे क्या होता है, हमारा केक जो है ना, क्योंकि ये जो आटा होता है उसमें ज्यादा ग्लूटेन होता है ना, गुई गुई सा बनता है, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो सके। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच इनो यूज किया है। इनो तो आप इजिली ले सकते हैं मार्केट में, 6-7 रुपए का पैकेट आता है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मार्केट से ले सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग का पूरा सामान नहीं है ना, बेकिंग पाउडर या फिर सोडा वगैरह नहीं है, तो इनो जो है इजीली अवेलेबल होता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले। लेकिन साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हम चॉकलेटी और बनाने के लिए इसमें मैं यूज कर रही हूँ कोको पाउडर। यहाँ पे कोको पाउडर मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। और साथ ही में जब भी हम कुछ चॉकलेटी बनाते हैं ना, उसमें हल्का सा जो कॉफी का फ्लेवर है ना, वो अच्छा लगता है। ये वैसे टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे ना तो टेस्ट में काफी ज्यादा एनहांसमेंट आती है। वैसे अगर आपके पास है कॉफी तो हल्की सी कॉफी इसमें 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच जरूर ऐड करें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जो हमारा इनो है और जो सारी चीजें है ना, वो अच्छे से एक दूसरे में ब्लेंड हो जाए। अगर यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है ना, तो हल्का सा आप रूम टेम्परेचर का दूध इसमें और कर सकते हैं। इस तरह की फ्लोई कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक टिन लिया है, इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी टिफिन या प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, जो भी आपके माइक्रोवेव सेफ है, क्योंकि इसे हम 2 मिनट में बनाने वाले हैं, तो इसलिए हम माइक्रोवेव यूज करेंगे। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। माइक्रोवेव में बेकिंग जो है वो काफी क्विक हो जाती है, तो इसलिए हम 2 मिनट में बनाएंगे, तो इसलिए मैं माइक्रोवेव यूज कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें कंटेनर में हमने जो बैटर रेडी किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। बट मेक श्योर आपका कंटेनर अच्छे से ग्रीस हुआ हो। उसके बाद हम इसमें, आप अपनी पसंद के थोड़े बहुत इसमें ड्राई फ्रूट्स भी बीच में ऐड कर सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा इसको चॉकलेटी बनाने के लिए आप इसमें चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट के टुकड़े ऐड कर सकते हैं। मैं उसे ऊपर से गार्निश कर रही हूँ चॉप्ड पिस्ता, कैश्यू और थोड़े से बादाम के साथ में। ये काफी अच्छे लगते हैं ऊपर से। तो बेस हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसे माइक्रोवेव कर लेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। अगर आप सिर्फ इतने ही क्वांटिटी में बना रहे हैं ना, तो 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी टाइम मत दीजिएगा। आप चाहे तो टूथपिक डाल करके 2 मिनट बाद चेक कर सकते हैं, अगर वो क्लीन आ रही है ना तो उसके बाद ज्यादा टाइम ना दें। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादा माइक्रोवेव करने से ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आप इसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो बस 2 मिनट में हमारी ब्राउनी बनके तैयार है। देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो इसे जरूर घर पे ट्राई करना। अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फोटो भी टैग कर सकते हैं। तो आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस तरह की रेसिपीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल एक और नई रेसिपी के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।